नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई और मैं तृप्ति सिंह आपका टॉप 10 बुलेटिन में स्वागत करती हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज हुई मुंबई में 10 बड़ी हलचलों का। मुंबई पुलिस को अलर्ट पर कर दिया गया है। मुंबई पुलिस को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है क्योंकि बड़े पैमाने पर शिवसैनिक रास्तों पर उतर सकते हैं और इसका कारण है शिवसेना विधायकों की बगावत। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सभी थानों को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कभी भी शिवसैनिक आक्रामक रुख अपना कर मुंबई की सड़कों पर उतर सकते हैं। महाराष्ट्र में बचाव सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश की उद्धव सरकार पर खतरा गहराता जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर ने सभी पुलिस स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र पुलिस चीफ ने खास तौर पर मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो उन्हें अलर्ट मिला है कि शिवसैनिक भारी मात्रा में सड़क पर उतरकर हंगामा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ना बिगड़े और शांति बनी रहे, इसके लिए पुलिस को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। बीते दो दिनों से राज्य में मची राजनीतिक घमासान के बीच किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए महाराष्ट्र पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। लिहाजा पुलिस ने अपने तरीके से इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में अभी हालात शांत दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से जो जानकारियां मिल रही है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बात की संभावना इस समय और भी बढ़ जाती है जब शिवसेना के कुछ नेता ये बयान देते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं के लिए सड़कों पर उतरने का विकल्प खुला हुआ है। इन सबको देखते हुए पुलिस ने एहतियातन इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज सभी शिवसेना जिला प्रमुखों से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उनका बागी विधायकों पर तो गुस्सा फूटा ही, लेकिन इसके साथ ही उनका एकनाथ शिंदे पर भी गुस्सा फूटा है। इस दौरान उन्होंने क्या कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। अरे जास्तीत जास्त काय केलं तो आज तुम्ही आमदार निलंग घेऊन गेलात, घेऊन जा। आणखीन कोणाला घेऊन जायचं ते घेऊन जा। तुम्ही झाडाची फुलं तोडू शकता, झाडाची फळं तोडू शकता, पण झाडाची मुळं ही उपटून काढू शकलेलं नाही। शिवसेना में बगावत के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मर जाएंगे फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। कहने वाले आज भाग गए। उन्होंने कहा कि बागी विधायक शिवसेना तोड़ना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने पार्टी जिला प्रमुख की बैठक में कहा कि मैंने अपने पास के दो विभाग एकनाथ शिंदे को दिए, उन्हें और क्या चाहिए था। उन्होंने कहा कि विधायकों को लेना है तो ले लो, जितना हो सके इंसाफ ले लो, लेकिन जब तक बाला साहिब की जड़े हैं शिवसेना को कुछ नहीं होगा। वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा कि इससे पहले भी लोगों ने शिवसेना से गद्दारी की है, लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ था कि शख्स ने विपक्ष को छोड़ दिया और अपने लालच में ही सत्ताधारी दल में शामिल हो गया। सत्ता आती है और चली जाती है, लेकिन लोग उस काम का समर्थन करते हैं जो उद्धव ठाकरे ने पिछले 2.5 साल से किया। आपको बता दें कि शिवसेना से बगावत करने वाले शिंदे पार्टी के 37 विधायकों और 9 निर्दलीय विधायकों के साथ फिलहाल गुवाहाटी के एक होटल में हैं। उन्होंने पार्टी पर दावा ठोका है। गुरुवार को एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनकी अगुवाई वाले सामूहिक वास्तविक शिवसेना है। उन्होंने कहा कि अयोग्य करार दिए जाने की धमकियों से वो डरते नहीं है। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने सभी जिला प्रमुखों को संबोधित किया था। वहीं उन्होंने ये सारे बयान दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। बागी विधायकों का अब मुंबई में कोई जगह नहीं, ये साफ करते हुए अब शिवसेना शिवसैनिक उनके बैनर फाड़ने लग गए हैं। आज मंगेश कुणालकर और दिलीप लांडे के मुंबई में बैनर फाड़े गए। इस रिपोर्ट के जरिए जानिए आखिर इस मामले को मुंबई पुलिस ने वक्त पर आकर कैसे संभाला। महाराष्ट्र में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। इसके चलते शिवसेना कार्यकर्ता पार्टी के बागी विधायकों के रवैये से नाराज है। शुक्रवार को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पार्टी विधायक मंगेश कुणालकर के कार्यालय के बाहर लगे एक बोर्ड को तोड़ने की कोशिश की। सूचना पर पहुंची मुंबई पुलिस ने लोगों को शांत कराया। यहां महाराष्ट्र में शिवसेना कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन और हिंसक हमलों को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस ने जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले शिंदे और शिवसेना के कई अन्य विधायक इन दिनों गुवाहाटी के एक होटल में ठहरे हुए हैं। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक शिवसेना समर्थक का एक समूह कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में कुणालकर के कार्यालय के बाहर जमा हो गया और उनके नाम और तस्वीर वाले एक बोर्ड को
तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि वो विधायक के कार्यालय पर हमला कर पाते इससे पहले ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां से हटा दिया। आपको बता दें कि कुछ समय पहले दिलीप लांडे का भी पोस्टर इसी तरह फाड़ दिया गया था। मुंबई पुलिस ने शिंदे के विद्रोह के बाद किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शहर में शिवसेना की शाखाओं सहित कई स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। एकनाथ शिंदे भले ही असम के गुवाहाटी के एक होटल में मौजूद है, लेकिन अपने शिव सैनिकों की फिक्र करना, अपने शिव सैनिकों को फोन करना वो भूले नहीं। एक शिव सैनिक जिसकी हालत बहुत खराब थी, उसे खुद एकनाथ शिंदे ने फोन किया, उसकी हालत जानी। हालांकि उस शिव सैनिक की आज मौत हो गई, लेकिन एकनाथ शिंदे अब भी अपने शिव सैनिकों को भूले नहीं है। राज्य में सियासी माहौल गर्म है, ऐसे में एकनाथ शिंदे फिलहाल थाने में मौजूद नहीं है, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के बीच एकनाथ शिंदे ने डोंबिवली में फोन किया है और इस दौरान वो भावुक हो गए। गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे अचानक डोंबिवली के एक निजी अस्पताल में एक डॉक्टर का फोन बजता है। सामने से एक आवाज आती है, नमस्ते, मैं एकनाथ शिंदे बोल रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ता का आप अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसका ख्याल रखिए, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। राज्य के उथल पुथल के बीच शिवसेना मंत्री और ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने फोन कर हॉस्पिटल के डॉक्टरों से यह अनुरोध किया। शिंदे के बगावत के बाद असमंजस में सब है, लेकिन इतनी बड़ी राज्य के उथल पुथल के बावजूद शिंदे ने अपने कार्यकर्ता का ध्यान रखना जरूर सोचा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण शुक्रवार की सुबह इस वरिष्ठ कार्यकर्ता की मौत हो गई। शिव सैनिक और डोंबिवली के उप शहर प्रमुख राम मराशी को अचानक बीमारी के चलते 21 जून को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शिंदे को जानकारी मिली कि मराशी का एक अस्पताल में इलाज चल रहा है, फिर बिना एक पल की देरी किए उन्होंने कल 5:30 बजे अस्पताल में डॉक्टर को फोन कर मराशी का हालचाल जाना था। थाने जिले में एकनाथ शिंदे का बड़ा दबदबा है और ऐसे नेता ने अब पार्टी में बगावत की है। नतीजन थाने, कल्याण, डोंबिवली और अन्य जिलों में अन्य शिव सैनिक बेचैन हो गए हैं। वेट एंड वॉच की भूमिका में अब फिलहाल पूरा राज्य है। कहीं न कहीं शिव सैनिक शिंदे के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं, तो दूसरी तरफ थाने जिले में अब तक इस मामले में सन्नाटा फैला हुआ है। एकनाथ शिंदे का फोन आने से कहीं न कहीं सब काफी खुश थे, लेकिन अपने कार्यकर्ता की मौत की खबर सुनने के बाद सब स्तब्ध हो गए। मेट्रो मुंबई के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मुंबईकरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, राज्य सरकार लगातार मुंबई में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहती है और इसके चलते मुंबई में 1500 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। मुंबई में जल्द ही 1500 और भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 2025 तक सभी राज्य हाईवे, बस स्टॉप और अन्य प्रमुख स्थानों पर 2375 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख स्थानों में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और नासिक, नागपुर और औरंगाबाद हाईवे शामिल है। कुल ईवी स्टेशनों में से अकेले मुंबई में 1500 स्टेशन होंगे, जबकि पुणे के लिए 500, नागपुर में 150, नासिक में 100, औरंगाबाद में 75, अमरावती में 30 और सोलापुर में 20 की योजना बनाई गई है। पुणे में 17, नवी मुंबई में 10, ठाणे और नागपुर में 6-6 और नासिक, औरंगाबाद, सोलापुर, कोल्हापुर और अमरावती में 2-2 चार्जिंग स्टेशनों पर काम चल रहा है, जबकि 13 को पहले ही स्थापित किया जा चुका है। इसके लिए महावितरण महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी यानी MSEB को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। MSEB ने पास के ईवी स्टेशनों की पहचान करने के लिए एक पावर मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित किया है। इस बीच मुंबई के लोगों के लिए हरित पेशकश और ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम टाटा पावर भारत की एकीकृत बिजली कंपनियों में से एक और एक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता ने आवासीय सोसाइटी, मॉल और अन्य परिसरों में 150 ग्रीन सोलर एनर्जी स्टेशन स्थापित किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। हेराफेरी फिर हेराफेरी, ये पिक्चर तो आपको याद ही होगी, तो आप और भी खिलखिलाकर हंसने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जल्द ही सिनेमा घरों में हेराफेरी 3 रिलीज होगी। इसकी कास्टिंग, इसकी स्क्रिप्टिंग तैयार है, बस अनाउंसमेंट की देरी है। आइकॉनिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म हेराफेरी आज भी फैंस की फेवरेट फिल्मों में से एक है। अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की इस फिल्म का तीसरा चैप्टर आने वाला है। हेराफेरी की सीक्वल का फैंस को बेसब्री से इंतजार था और अब फैंस को ये जानकर खुशी होगी कि जल्द ही हेराफेरी 3 आएगी।
फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने कंफर्म कर दिया है। फिरोज ने एक इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया कि हेरा फेरी 3 आएगी और पुरानी ही कास्ट इस फिल्म में दोबारा धमाल करेगी। फिरोज से कंफर्म करने के बाद से फैंस में खुशी का ठिकाना नहीं है। फिरोज नाडियाडवाला ने एक इंटरव्यू में कहा कि हेरा फेरी 3 को लेकर बात की है। फिरोज ने बताया कि आपको जल्द ही पुरानी कास्ट अक्षय जी, परेश भाई और सुनील जी के साथ हेरा फेरी 3 देखने को मिलेगी। स्टोरी हमारे पास है और इस पर काम चल रहा है। ये फिल्म पहले के किरदार उनकी मासूमियत की तरह बनेगी। हम पुरानी अचीवमेंट को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, तो कहानी, कंटेंट, स्क्रीन प्ले के मामले में हमें ज्यादा सतर्क रहना है। फिरोज ने आगे कहा कि हम कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, बातचीत जारी है और जल्द ही अनाउंसमेंट की जाएगी। फिरोज के इस इंटरव्यू के बाद से फैंस एक्साइटेड है। जब से प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने हेरा फेरी 3 को कंफर्म किया है, तब से फैंस एक्साइटेड हो गए हैं और सोशल मीडिया पर हेरा फेरी 3 ट्रेंड कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। छात्रों और युवाओं का भविष्य काफी अहम होता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब कोरोना काल में यानी पिछले 2 साल के दौरान जिन छात्रों और युवाओं पर कोरोना नियमों के उल्लंघन के खिलाफ मामला दर्ज था, उन्हें राज्य सरकार वापस ले लेगी। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बहुत ही बड़ा और छात्रों के हित में एक अच्छा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब छात्रों और युवाओं पर दर्ज कोरोना के मामले वापस ले लिए जाएंगे। इसका फायदा केवल उन्हें मिलेगा जिसने सरकारी कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों पर हमला नहीं किया हो और जिसमें निजी और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान 50,000 रुपए से ज्यादा ना हो। महाराष्ट्र में 21 मार्च 2022 से 22 मार्च 2022 तक छात्रों और युवाओं पर दर्ज कोरोना नियमों के उल्लंघन के मुकदमों को वापस लिया जाएगा। महाराष्ट्र के अलग अलग थानों में इन युवाओं का केस दर्ज है। ऐसे में उनके भविष्य का सोचते हुए सरकार ने ये फैसला लिया। नौकरी, पासपोर्ट बनाने जैसे अन्य कामों में इन युवाओं को किसी तरह की तकलीफों का सामना ना करना पड़े, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एक बोर्ड ने छात्रों और युवाओं पर से कोरोना काल के दौरान दर्ज मामले को वापस लेने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई का मरीन ड्राइव शिफ्ट हो चुका है। गलत मत समझिए, मुंबई की मरीन ड्राइव जैसा ही एक अनोखा नजारा, समुद्र का नजारा पटना में बना है। मुंबई के मरीन ड्राइव से इंस्पायर होकर आखिर ये कैसा है, इसके दृश्य कैसे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अब मुंबई का मरीन ड्राइव पटना पहुंच चुका है। कुछ अलग मत सोचिए, बल्कि आज से पटना में मुंबई के मरीन ड्राइव का लोग मजा ले पाएगी। मरीन ड्राइव यानी जेपी गंगा पाथ का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज उद्घाटन किया। इसके साथ ही राजधानी पटना के डीम प्रोजेक्ट अटल पथ फेज 2 और मीठापुर आरओबी पर भी आज से गाड़ियां दौड़ने लगी। इन सड़कों पर आवागमन शुरू होने से पटना के लोगों को, खासकर उत्तर बिहार आने जाने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। जेपी गंगा पाथ की जानकारी देते हुए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि करीब 3,381 करोड़ की योजना है। इसका पहला फेज पूरा हो गया है। जेपी गंगा पथ से जेपी सेतु पथ का कनेक्शन हो रहा है और अटल सेतु से जेपी गंगा पथ का कनेक्शन आगे भी होगा। उन्होंने कहा कि जेपी पथ न सिर्फ पटना के लोगों के लिए बल्कि उत्तर बिहार से पटना आने वाले लोगों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण सड़क होगी। गंगा पथ पर 8 जगहों पर संपर्क पथ का निर्माण किया गया है। जेपी गंगा पथ के पहले चरण में दीघा से एएन सिन्हा संस्थान होते हुए पीएमसीएच तक का काम पूरा हो चुका है। वहीं बात करें मरीन ड्राइव की, जो मुंबई करों की सबसे बड़ी और सबसे पहली पसंद है। अगर आराम से आपको समय बिताना हो, शांति से कुछ पल बिताना हो, तो कहीं ना कहीं मुंबई कर से मरीन ड्राइव चुनते हैं और ऐसे में अब पटना में भी मुंबई का मरीन ड्राइव बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। शिवसेना नेता संजय राउत ने साफ तौर पर अब बागी विधायकों को अल्टीमेटम तो दिया ही, इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने केंद्र सरकार को इस बात पर ध्यान देने के लिए कहा है कि लगातार शरद पवार को धमकियां मिल रही हैं, तो वो इस मामले में हस्तक्षेप करे और भाजपा ने जो किया है उस पर संज्ञान ले। शिवसेना के नेता एक बार फिर सामने आए हैं। उन्होंने कल जहां बयान दिया था कि एमवीए सरकार एक दूसरे से अलग होने का सोच सकती है, शिवसेना एमवीए से अलग हो सकती है अगर सभी विधायक 24 घंटे के अंदर मुंबई में उद्धव ठाकरे से आकर बात करें। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के पास संख्या बल ज्यादा हो सकती है, लेकिन कागज पर अभी जो लड़ाई है वो कानून की लड़ाई है। उन्होंने कहा हमारे 12 विधायक जिन्होंने बगावत की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की गई है। शरद पवार को धमकियां देने का काम चल रहा है।
इन सभी को तुरंत रोकना होगा। मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री और अमित शाह इस मामले पर अपना ध्यान दें, क्योंकि केंद्रीय मंत्री शरद पवार को खुलेआम धमकी दी जा रही है कि संख्या बल ज्यादा हो सकता है कागज पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियाँ देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। मुंबई के लिए विशाल जायसवाल की रिपोर्ट। अक्षय कुमार की हैवी बजट फिल्म सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं अक्षय कुमार काफी ट्रोल हो रहे हैं। बयान सामने आ रहे थे कि अक्षय कुमार के डायरेक्टर ने उन पर इल्जाम लगाया है, लेकिन अब खुद अक्षय कुमार के डायरेक्टर ने इस बात पर अपने बयान दिए हैं। तो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आखिर उन्होंने क्या कहा। सम्राट पृथ्वीराज फिल्म फ्लॉप साबित हुई है, वही फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार शायद इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रहे होंगे। बीते कुछ समय पर बड़े पर्दे पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पा रही। हाल ही में रिलीज हुई एक्टर की सम्राट पृथ्वीराज पर्दे पर बुरी तरह पिट गई। करीब 300 करोड़ की लागत में बनी सम्राट पृथ्वीराज 20 दिनों में भारत में बेमुश्किल से 75 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 85 से 90 करोड़ रहा। अक्षय ने सपने में भी नहीं सोचा कि सम्राट पृथ्वीराज इतनी बुरी तरह पिटेगी। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद खबरें आई कि निर्देशक ने इसकी असफलता के लिए अक्षय को जिम्मेदार ठहराया। खबरों के मुताबिक निर्देशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने कहा कि वो नहीं सुनेंगे, फिल्म को एक समर्पित कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत थी। उन्होंने असलियत में मूछें तक नहीं बढ़ाई क्योंकि वो और भी प्रोजेक्ट कर रही थी। जब वो किसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फिल्म में भूमिका निभा रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट को क्यों नहीं कर सकते थे और अपना बेस्ट प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते थे। अक्षय को जिम्मेदार ठहराए जाने की खबरों पर अब डायरेक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में हम एक दूसरे के काफी करीब आए, वो केवल मेरे लिए एक अभिनेता नहीं, एक अभिनेता से बढ़कर एक दोस्त, एक शुभचिंतक, एक अभिभावक है। वो मुझसे छोटे हैं लेकिन एक अभिभावक की तरह व्यवहार करते हैं। मैंने उन्हें कभी फिल्म की असफलता के लिए दोषी नहीं ठहराया। मैं क्यों करूंगा, अगर वो नहीं होते तो फिल्म कभी नहीं बनती। सम्राट पृथ्वीराज की विफलता के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मैं अपने दर्शकों को नहीं समझता। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें यानी मेट्रो मुंबई का टॉप 10 बुलेटिन, और कल मैं फिर आपके सामने ऐसी ही मुंबई की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।